चौथा मता जो संत भिंडरांवालिया ने सरकार दे अगे रखिया कि देश की करंसी ते भाव देश के जिहड़े नोट ने रुपईए ने उन्हां ते 1947 तो पहला जिहड़े शहीद होए जिन्हां ने देश की आज़ादी विच भूमिका निभाई उन्हां सारियां दियां फोटोआं लगाईआं जाण, पर हुण केवल महात्मा गांधी की फोटो ही लाई जांदी है। हुण इहदे च जवाब दिओ कि केवल शहादतां सिखां ने दित्तियां सी, राजगुरू सी, सुखदेव जी सी, होर बड़े हिंदू भरा जिन्हां ने शहादतां दित्तियां, सिखां ने शहादतां दित्तियां, मुसलमानां ने शहादतां दित्तियां, ते संतां ने उन्हां दा सत्कार मुख रखण वास्ते भी उन्हां दी फोटो जिहड़ी है उह नोटां दे उपर लगाई जावे। असीं इह नहीं कहिंदे कि महात्मा गांधी ने आज़ादी दे विच कोई रोल नहीं पाया, पर इस गल नूं जरूर ध्यान च रखियो भी कल्ला चरखा कत्तण दे नाल आज़ादी नहीं मिली, हथियारां नूं चक्कण दे नाल जिहड़ी है ये आज़ादी प्राप्त होई सी। दुनिया दे नोटां नूं देख लो, अमेरिका देख लो, कैनेडा देख लो, सिंगापुर की करंसी देख लो, होर कई कंट्रियां की करंसी देख लो जिहदे विच इको ही शासक दी, इको ही राजे दी, जां इको ही मैंबर दी फोटो नहीं लई जांदी, वो वख-वख करंसी ते वख-वख नोटां ते अपने जिहड़े देश दे उहनां दे उच्च कोटी दे सज्जन हुंदे ने, जिहड़े सत्कारत हस्तियां हुंदियां ने, उहनां दीआं फोटोआं नूं वो अपनियां करंसियां ते लाउंदे ने। सो जे ये डिमांड संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले ने रखी कि इस मते तो यह गल साबित हुंदी है कि संत जी हिंदुआं दे विरोधी सन। पंजवां मता जो संतां ने सरकार दे अगे रखिया कि पंजाब दे विच पैदा होण वाली कणक अते झोने दा मुल पंजाब सरकार ही तय करेगी, केंद्र सरकार तय नहीं करेगी, तां जो केंद्र सरकार अपनी मर्जी दे भा ना खरीद सके। क्यों? क्योंकि पंजाब नूं सोने की चिड़िया भी कहा जाता सी, अज बेशक नहीं है, पंजाब नूं अन्नदाता भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत स्टेटां जिथे अनाज नहीं हुंदा पंजाब दे विचों पैदा होकर उन्हां स्टेटां दे विच आटा ते चावल झोना जिहड़ा जांदा है। पर जदों किसानां दी हालत वेखदे हां, अज दे समें दी भी खेती दी हालत वेखदे हां, तो बचत घट है, खर्चे बहुत ज़्यादा ने। अज किसान जदों फसल अपनी बीजदा, फसल बीजन तो बाद वह केवल आड़ती दे कोल अपनी फसल सट के आंदा, पल्ले कुछ नहीं लैके आंदा, पल्ले की लैके आंदा, वह 5 मीटर का 2 मीटर का रस्सा लैके आंदा जिहनूं वह दरख्त नाल लटकाउंदा, तो लटका के वह फाहा लै लैंदा, खुदकुशी कर लैंदा, क्योंकि उहनूं फसल दे विच कोई बचत नहीं है। पंजाब पूरी दुनिया का ढिड भर रहा है, पूरे देश का ढिड भर रहा है, पर पंजाब का किसान ढिड भरन वाला अन्नदाता अज भुखा सौ रहा है, भुख के कारण फाहे लै लैके मर रहा है। क्यों? क्योंकि जिहड़ी केंद्र सरकार है वह मंडियां दे विच अज भी देखते हैं साडा झोना रुलदा है, साडी कणक रुलदी है, समय अनुसार उहदी खरीददारी नहीं की जाती। जे पंजाब सरकार इहदा रेट तय करदी तो साडे किसानां नूं लाह प्राप्त हुंदा, साडे किसानां दे जिहड़ी आर्थिक हालत सी उह वधिया हुंदी। कि पंजाब दे विच किसान केवल सिख करदे ने, कि हिंदू खेती नहीं करदे, कि हिंदुआं दीआं जमीनां नहीं हन। सो जे ये डिमांड संतां ने सरकार दे अगे रखी तो इहनूं केवल सिखां दे नाल नहीं जोड़ना चाहिए। सो कि इस गल तो असीं इस गल ते मोहर ला सकते हैं कि संत जी अतवादी सन। छेवां मता संतां ने सरकार अगे रखिया जिवें हिंदू समाज के 4 वड्डे धामां तो 24 घंटे आकाशवाणी ट्रांसमीटर चलता है। संतां ने डिमांड रखी भी इस तरह श्री हरिमंदर साहब, श्री अमृतसर साहब तो भी 24 घंटे आकाशवाणी ट्रांसमीटर जिहड़ा है वह चलाया जाए, जिस दा खर्च बाहरले देश की संगत करेगी। हुण इस गल ते ध्यान दो, सरकार तो कोई डिमांड नहीं रखी भी सरकार पैसा लावे, ट्रांसमीटर चला के देवे, आकाशवाणी चैनल बना के देवे, तां जो क्यों मंगिया? क्योंकि 24 घंटे दुनिया दे विच देशां विदेशां दे विच जिथे जिथे गुरु नानक नाम लेवा संगत रहिंदी है, अज आपां देखदे हां भी आपां कीर्तन सुनते हैं, लाइव सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं। ये डिमांड संतां ने 1982 दे विच रखी, जो अज सानू कीर्तन सरवण हो रहा है, ये 82 विच संतां ने सरकार अगे डिमांड रखी सी भी साडे श्री हरिमंदर साहब तो 24 घंटे आकाशवाणी तो कीर्तन का प्रसारण होना चाहिए, तां जो जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख बैठा है, जिथे भी कोई बैठा है, वह गुरबाणी का आनंद लै सके, कीर्तन का आनंद प्राप्त कर सके। जे अपने धार्मिक अस्थान तो
एक आकाशवाणी ट्रांसमीटर की मंग सरकार अगे रखना संतान अतवादी ठहरा है, तो की तुम इस गलते कहना चाहोगे भी वह अतवादी सन?